मंगलाचरण मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। आचार्य मा स्वामी कृत तत्वार सूत्र अपर्णा मोक्ष शास्त्र। आज हम सातवें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसमें 39 अर्थात 39 सूत्र हैं और इसमें शुभाश्रव की चर्चा की गई है। अब देखते हैं, पहले सूत्र से प्रारंभ करते हैं। हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। फिर से, हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। सबसे पहले सूत्र में व्रत का लक्षण बताया। व्रत किसे कहते हैं? क्योंकि शुभाश्रव की चर्चा होना है, इसलिए मंद कषायरु व्रतों का पालन, इसके अलावा और भी जितने आलंबन रूप अणुव्रत हों, महाव्रत हों अथवा दूसरी धार्मिक प्रवृत्तियां हों, जहां जहां मंद कषायरु प्रवृत्ति होगी तो वहां शुभ भाव होने से शुभ कर्मों का आश्रय होगा। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहां सातवें अध्याय में सबसे पहले व्रत का लक्षण बताया। तो व्रत में हिंसा अनृत, अनृत माने असत, स्ते माने चोरी, अब्रह्म माने कुशील और परिग्रहीभ्यो और परिग्रह, इन पांच पापों से विरतिर व्रतम। विरतिर माने व्रत होना, उसका नाम व्रत है। व्रत वैसे दो प्रकार का होता है, एक निश्चय व्रत एक व्यवहार व्रत। निश्चय व्रत क्या है? राग द्वेष आदि विकल्पों से रहित होना निश्चय व्रत है। और प्रतिज्ञा पूर्वक पांच पापों के त्याग कहो, विरति कहो, निवृत्ति कहो, इस रूप नियम लेना, माने प्रतिज्ञा पूर्वक पांच पापों के त्याग पूर्वक नियम लेना, उसका नाम है व्यवहार से व्रत। इस तरह से व्रत की चर्चा यहाँ की। सीधी सरल भाषा में पांच पापों का त्याग, उसका नाम व्रत है। अब कहते हैं यह व्रत दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार का? सूत्र नंबर 2 में कहते हैं देश सर्वतोणु महती। क्या है? बोलिए, देश सर्वतोणु महती, अर्थात देश माने एक देश और सर्वतः माने पूर्णतः त्याग करना, उसका नाम है अणु महती। अणु माने अणुव्रत, महती माने महाव्रत, माने इन ऊपर जो पांच पाप कहे थे उन पांच पापों का देश माने एक देश त्याग, उन पांच पापों से एक देश निवृत्ति, उसका नाम है अणुव्रत। और सर्वतः माने पूर्णतः निवृत्ति, उसका नाम है महाव्रत। इस तरह से ये अणुव्रत और महाव्रत के भेद से व्रत के दो भेद कहे। अब आगे बढ़ते हैं सूत्र नंबर 3 की ओर। कहते हैं ये जो व्रत होते हैं उन व्रतों की स्थिरता के लिए कुछ विशेष प्रयत्न किए जाते हैं, सावधानियां रखी जाती हैं, जिसको कहते हैं भावनाएं। इन व्रतों को एक तरह से मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, इनमें किसी भी तरह का अनादर भाव ना हो जाए, ये छूट ना जाए, इसमें दोष ना लग जाए, तो उन व्रतों की स्थिरता के लिए भावनाएं भाई जाती हैं। तो कौन कौन सी भावनाएं किन व्रतों के लिए हैं? तो सबसे पहले सामान्य चर्चा करते हैं सूत्र नंबर 3, तस्थैयार्थम भावना पंच पंचे। क्या है? तत्स्थैयार्थम, तत्स्थैयार्थम भावना पंच पंचे। तत्स्थैयार्थम माने उनकी, तत् माने उनकी, उनकी माने किनकी? जो पहले कहे गए व्रत,
उनकी स्थैयार्थम, स्थैयार्थम माने स्थिरता के लिए क्या करना, भावनाहा पंच पंचे, माने पांच पांच भावनाएं हैं। भावना अर्थात होता है बार बार चिंतन, तो बार बार चिंतन माने पांच पांच भावनाओं का बार बार चिंतन करने से वे व्रत स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। इसलिए भावनाएं भानी चाहिए। अपन क्रमशः देखेंगे अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौरी व्रत आदि, इन सभी की सबकी अलग अलग पांच पांच भावनाएं हैं, जिनको भाने से, निरंतर चिंतन करने से वे व्रत स्थिर रहते हैं। तो शुरू करते हैं सूत्र नंबर चार से। सबसे पहले अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं। वांग मनो गुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंचे। फिर से, वांग मनो गुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंचे। एक बार फिर से, वांग मनो गुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंचे। पंचे अर्थात पांच। अब पांच भावनाएं कही हैं अहिंसा व्रत को स्थिर रखने के लिए। कौन सी? वांग मनो गुप्ती, ये गुप्ती दोनों में जोड़ना। वांग माने वचन, तो वचन गुप्ती, मनो गुप्ती अर्थात मनोगुप्ती, इस तरह से वचन गुप्ती मनोगुप्ती। फिर है ईरिया, फिर आदान निक्षेपण समिति, माने ये समिति इन दोनों में जोड़ना, एक तो ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति। फिर पांचवी है आलोकित पान भोजनानी, माने आलोकित पान भोजन। ये पंच अर्थात पांच भावनाएं हैं, इनका अर्थ जान लेते हैं। ये इन पांच जो कही पांच भावनाएं, इन पांच भावनाओं में दो तो निवृत्ति रूप हैं और तीन प्रवृत्ति रूप हैं, माने एक तरह से दो नास्ति रूप हैं, निगेटिव रूप, और तीन पॉजिटिव माने अस्ति रूप हैं। कैसे? सबसे पहले दो जो गुप्ती कहीं, गुप्ती ये दोनों निवृत्ति रूप हैं। वचन गुप्ती अर्थात वचन को भले प्रकार रोकना, वचनों पर कंट्रोल करना, ये एक तरह से निवृत्ति रूप हुआ, निवृत्ति मार्ग हुआ। और मनोगुप्ती अर्थात मन को भले प्रकार रोकना, मन मन की प्रवृत्ति को रोकना, यह मनोगुप्ती है, तो यह निवृत्ति रूप है। बाकी तीन प्रवृत्ति रूप हैं, यत्नाचार प्रवृत्ति रूप हैं, माने वो करने योग्य हैं। कैसे? ईरिया समिति अर्थात चार हाथ आगे की जमीन देखकर चलना। फिर आदान निक्षेपण समिति, सावधानी पूर्वक उठाना और रखना सामग्री को जो उनके पास है, उसका नाम आदान, माने भूमि को जीव रह देखकर सावधानी से किसी वस्तु को उठाना और रखना, यह है आदान निक्षेपण। फिर आलोकित पान भोजन, माने देख शोध कर भोजन पान ग्रहण करना, यह है आलोकित पान भोजन। इसको यदि और कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, देख शोध कर सूर्य के प्रकाश में भोजन करना, यह है आलोकित पान भोजन। इस तरह से ये पांच भावनाएं अहिंसा व्रत की जानना। अब इसके बाद सत्य व्रत की भावनाएं कही जा रही हैं। सत्य व्रत की भावनाएं कौन सी हैं? तो पांच अब अगले सूत्र से बता रहे हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनु वीचि भाषणम च पंचे। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनु, ऐसा पढ़ेंगे इसको, प्रत्याख्यानान्यनु
वीची भाषणम च पंचे, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनु वीची भाषणम च पंचे। इसमें भी देखते हैं सत्य व्रत की पांच भावनाएं हैं, इनमें चार भावनाएं तो निषेध रूप हैं, त्याग रूप हैं, और एक भावना है विधि रूप, प्रवृत्ति रूप है। तो कौन कौन सी, तो सबसे पहले देखते हैं क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य, ये चारों का तो प्रत्याख्यानानी माने इनका प्रत्याख्यान माने त्याग करना, ये चारों के साथ जोड़ दें, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान, इन चारों का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग करना, उसका निषेध करना। और जो पांचवी है अनुवीची भाषण, अनुवीची भाषण माने शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलना, ये पांचवी भावना है। तो ये विधि पूर्वक हुई, चार निषेध पूर्वक हुई, इस तरह से पांच भावनाएं सत्यव्रत की समझना, माने सत्यव्रत को यदि स्थिर रखना है तो क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना, भय का, हास्य का, क्यों, क्योंकि इनके निमित्त से असत्य बोलने की ज्यादा संभावना है। कभी भी जीव गुस्से में असत्य बोलता है, कुछ का कुछ बोलता है, बड़बड़ाता है, क्रोध में असत्य बोल देता है, लोभ लालच में भी असत्य बोलता है, डर से भी असत्य बोलता है, हंसी हंसी में भी असत्य बोलता है, इसलिए इन चारों का त्याग करने की बात कही। और यदि बोलना भी पड़े तो कहते हैं शास्त्र के अनुसार निर्दोष बोलना, ये पॉजिटिव कथन है। तो इस तरह से चार का त्याग और एक का ग्रहण, ऐसी पांच प्रकार की भावनाएं सत्य व्रत की कही गई हैं। अब अचौरी व्रत की पांच भावनाएं बताते हैं। सूत्र नंबर 6, शून्यागार विमोचिता वास परोपरोधा करण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंचे। फिर से शून्यागार विमोचिता वास परोपरोधा करण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंचे। शून्यागार विमोचिता वास, ये दो हुई, वास दोनों में लगाना, शून्यागार वास और विमोचिता वास। फिर परोपरोधाकरण ये तीन, भैक्ष शुद्धि चार और सधर्मा विसंवाद ये पांच, ये अचौरी व्रत की पांच भावनाएं कही गई हैं। इनमें से देखें ये तीन प्रारंभ की तो है आवास से संबंधित, कौन सी, शून्यागार वास, विमोचितावास और तीसरा परोपरोधाकरण, ये आवास से संबंधित हैं और दो अतिरिक्त हैं। तो इस तरह से इन पांचों का हम सामान्य भाव जानते हैं। शून्यागार वास माने पर्वतों की गुफा, वृक्ष की कोटर आदि निर्जन स्थानों में रहना, निर्जन स्थान में रहना वह है शून्यागार वास। शून्य माने खाली, जहाँ कोई नहीं रहता हो, आता जाता नहीं हो, सामान्य मनुष्यों का प्रवेश जहाँ नहीं हो। दूसरा विमोचितावास, दूसरों के द्वारा त्यागी स्थान में रहना, अथवा कहें राजा वगैरह के द्वारा छुड़वाए हुए स्वामित्वहीन स्थान में रहना, उसका नाम है विमोचितावास। तीसरा है परोपरोधाकरण, परोपरोधाकरण मैं दूसरे को अपने ठहरे हुए स्थान पर आने से नहीं रोकना, अपने स्थान पर ठहरे हुए दूसरों को नहीं रोकना, माने जहाँ पर ठहरे हैं वहाँ कोई दूसरा आ जाए तो वहाँ पर उसको मना नहीं करना, कह रही तो मेरी जगह है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मत आना, ऐसा नहीं बोलना, वह है परोपरोधाकरण। ये तीन हो गए आवास संबंधी। चौथा है भैक्ष शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि रखना, माने चरणान योग शास्त्र के अनुसार भिक्षा की शुद्धि रखना जरूरी है। और पांचवा है सधर्मा अविसंवाद, माने साधर्मी के साथ विसंवाद नहीं करना, जो हमारे सहधर्मी भाई हैं वह हमारा भाई है, उससे किसी भी रूप में कलह नहीं करना, विवाद नहीं करना,
इसका नाम है सधर्मा अविसंवाद। यदि हम इस तरह का कार्य करते हैं, ऐसी भावनाएं भाते हैं, तो निश्चित रूप से अचौरी व्रत पलता है, क्योंकि शून्यगार वास में रहने से चोरी के भाव नहीं आएंगे। विमोचिता वास में रहने पर भी किसी के द्वारा छोड़े गए स्थान जिसमें किसी का स्वामित्व तो नहीं है, उसमें भी चोरी के भाव नहीं आएंगे। खाली स्थान है, वहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्या चोरी करेंगे। ऐसे ही अपने स्थान पर कोई और आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई चोरी के भाव नहीं होंगे। भिक्षा की शुद्धि भी ध्यान रखना कि जिस नियम के अनुसार हमें भोजन आदि लेना है, चाहे श्रावक के हों चाहे मुनि के हों, तो अपने अपनी भिक्षा की शुद्धि के अनुसार भोजन करना। फिर ऐसे ही साधर्मियों के साथ विसंवाद भी नहीं करना, क्योंकि विसंवाद करना भी एक तरह से चोरी के दोष में आ जाता है। इसलिए साधर्मियों के साथ अविसंवाद रखना, ये अचौरी व्रत की पांच भावनाएं कही गई हैं। अब ब्रह्मचर्य व्रत की पांच भावनाएं कहते हैं, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृषेष्ट रस, स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच। फिर से, श्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृषेष्ट रस, क्या पढ़ना है इसको, वृषेष्ट रस, स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच। एक बार फिर से देख लें, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृषेष्ट रस, स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंचे। इस तरह से ये ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए ये पांच भावनाएं भाना अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले कौन सी, स्त्री राग कथा श्रवण, दूसरी तन मनोहरांग निरीक्षण, तीसरी पूर्व रतानुस्मरण, इन सब में त्याग भी लगा लेना। स्त्री राग कथा श्रवण अर्थात सुनना नहीं, ये अंत में दिया है ना त्याग, ये त्याग सब में जोड़ना। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, चौथा वृषेष्ट रस त्याग, और पांचवा है स्वशरीर संस्कार त्याग। यदि हम इन पांचों प्रकार के त्यागों को नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य खंडित होता है, इसलिए इनका त्याग कहा। तो पहला देखते हैं, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, माने स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना। कैसा, कि ऐसी इस तरह की कोई ना चर्चा करना, ना इस तरह का कोई माहौल देखना, या इस तरह की टीवी आदि देखना या चित्रादि जिसमें स्त्रियों की सुंदरता रूप आदि का वर्णन हो, तो ऐसा देखने से, उनकी कथा सुनने से, कथा कहने से स्त्रियों के प्रति राग उमड़ता है। इसलिए हमें इस तरह के राग का त्याग करना चाहिए। दूसरा, तन मनोहर अंग निरीक्षण, स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखने का त्याग करना, क्योंकि उनको देखने से भी परिणाम विकृत होते हैं। नंबर तीन, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, माने पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में जो भोगे हुए भोग हैं उनके भी स्मरण का त्याग करना। कई बार वर्तमान में तो नहीं भोगते, लेकिन पूर्व के भोगे हुए विषय याद आते हैं, तो उनके विषयों का भी त्याग करना, उसका नाम है पूर्वरता अनुस्मरण। पूर्व से ऐसा भी कह सकते हैं जो पहले अव्रत अवस्था में भोगे थे, तो उनको अब व्रत अवस्था में याद करना ये उचित नहीं है, इसलिए पूर्वरता अनुस्मरण त्याग कहा। फिर वृषेष्ट रस त्याग, अर्थात गरिष्ठ रसों के सेवन का त्याग करना, क्योंकि एक विशिष्ट गरिष्ठ रस यदि अपन लेते हैं तो ये कामवर्धक होते हैं। विशिष्ट तेल आदि खो जिससे आलस आती हो, इतना
तेल का, घी का आइटम, इनको ज़्यादा लेने से असवाद दूध और दही है और इनका आइटम, जिससे गृद्धता बढ़ती हो, आसक्ति बढ़ती हो, आलस्य बढ़ती हो, इनसे कामासक्ति भी बढ़ती है। इसलिए ऐसे गरिष्ठ रसों का बुद्धिपूर्वक त्याग करना ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के लिए है। और आगे अंतिम है स्वशरीर संस्कार त्याग, माने अपने शरीर के संस्कारों का त्याग करना, उसको किसी भी रूप में सजाना नहीं, धजाना नहीं। माने अब जिसकी अपनी जैसी भूमिका हो, भूमिका के अनुसार, नहीं तो कई बार लोग ऐसा भी होता है कि मुनि बन गए तो उसमें बालों को अथवा दाढ़ी मूछ को कैसे सेट करना, इस तरह की भावना भी वो रखते हैं, तो वह शरीर में संस्कार करने की बुद्धि उपजी और वह ब्रह्मचर्य को खंडित करने वाली है, क्योंकि वह आकर्षित करती है, किसी को भी आकर्षित कर सकती है। इसलिए ऐसे आकर्षण के कार्य उचित नहीं हैं। इसलिए शरीर स्वशरीर संस्कार त्याग की बात कही। यदि इन पांचों को इंद्रिय विषयों में देखना चाहें तो पहला स्त्री राग कथा श्रवण जो है वह कर्णेन्द्रिय का विषय है, उसका त्याग करना। तन मनोहरांग निरीक्षण, ये मनोहरंगों का निरीक्षण या चक्षु इंद्रिय का विषय है, इसका त्याग करना। पूर्व में भोगे हुए विषयों का स्मरण, यह मन का विषय है। फिर गरिष्ठ रसों का सेवन, यह रसनेन्द्रिय का विषय है। स्वशरीर संस्कार, यह स्पर्शन और घ्राणेन्द्रिय का विषय है। कैसे शरीर को सजाना, ये तो स्पर्शनेन्द्रिय है और कई लोग उसको इत्र वगैरह से, सेंट से सुगंधित करते हैं, तो ये घ्राणेन्द्रिय के विषय में भी आ जाता है। तो इस तरह से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण माने मन, सब पांच इंद्रिय और मन के विषय इसमें आ गए। माने इन पांच इंद्रिय और एक मन के विषय का एक तरह से त्याग करने की मुख्यता यहाँ रखी है। यदि इन भावनाओं को भाते हैं तो ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, परिग्रह त्याग व्रत की भावनाएं बताते हैं। परिग्रह त्याग व्रत की भावनाएं जो हैं, ये भी एक तरह से ये पंच इंद्रिय के विषयों के ही त्याग की यहाँ चर्चा की है। देखते हैं सूत्र नंबर 8 से, मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। फिर से, मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। देखिए यहाँ पर जो राग द्वेष है ना, तो इसका उच्चारण यहाँ संयुक्त वर्ण होने से राग द्वेष पढ़ना चाहिए। ऐसे और भी बहुत जगह हैं जहाँ संयुक्त अक्षर आता है तो वहाँ ऐसा ही उच्चारण होता है। जैसे भक्तामर में देखा होगा, भक्तामर प्रणत मोलिमणि प्रभाड़ा, ऐसा। तो राग द्वेष, मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंचे, अर्थात मनोज्ञ और अमनोज्ञ। मनोज्ञ माने जो मन को अच्छे लगते हैं, अमनोज्ञ अर्थात जो मन को अच्छे नहीं लगते। ऐसे दोनों प्रकार के इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष वर्जनानि, राग और द्वेष का त्याग करना, माने मनोज्ञ इंद्रिय के विषयों में राग का त्याग करना, अर्थात जो मन को अच्छे लगते हों, ऐसे पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करना, और जो इंद्रियों को अच्छे नहीं लगते हों, ऐसे विषयों का भी त्याग करना, माने दोनों प्रकार के अच्छे बुरे लगने वाले विषयों का त्याग करना, उसका नाम है परिग्रह त्याग व्रत की भावनाएं। माने इसमें पांच कैसे हुई, पांच इंद्रियों के हिसाब से पांच हो गईं। उसमें एक को मनोज्ञ डाल दिया, दूसरे को अमनोज्ञ डाल दिया, और ये पांचों ही इंद्रिय के विषय मनोज्ञ भी हैं और पांचों इंद्रिय के विषय अमनोज्ञ भी होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के कुछ विषय, जैसे जो हमें छूने में अच्छा लगे तो मनोज्ञ हो जाता है, छूने में अच्छा ना लगे तो अमनोज्ञ हो जाता है। ऐसे रसन इंद्रिय का विषय, जो खाने में अच्छा लगे वह मनोज्ञ हो जाता है, जो खाने में अच्छा ना लगे वह अमनोज्ञ हो जाता है। इस तरह से
पांचों ही इंद्रियों के विषय मनोज्ञ भी होते हैं और कुछ अमनोज्ञ भी होते हैं, तो दोनों ही प्रकार के विषयों का त्याग करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर कही गई। इससे पांच भावनाएं ये जो हुई पांच इंद्रियों के विषयों के त्याग वाली, जिससे परिग्रह त्याग व्रत पलता है, माने अपरिग्रह व्रत पलता है। अब आगे देखते हैं। अब सूत्र नंबर 9 में कहते हैं कि हिंसादि पांच पापों के विषय में करने योग्य विचार, अथवा ऐसा कहें हिंसादि से विरक्त होने की अन्य भी भावना है। तो कौन सी भावना? तो इनसे विरक्त होने की भावना और कही। सूत्र नंबर 9 में कहते हैं हिंसा दिश्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम, हिंसा दिश्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। फिर से हिंसा दिश्वी दिश्वी हिंसा दिश्वी हिंसा दिश्विहा हिंसा दिश्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम, अर्थात हिंसा दिश्वी माने इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हिंसा दिशु माने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब आ गए इसमें, आदिशु तो माने पांचों पापों के होने पर। इन पांचों पापों में क्या हमें ध्यान रखना कि यदि हम ये पांचों पाप करेंगे तो क्या नुकसान होगा? ई है माने इस लोक में इस भाव में, और अमूत्र अमूत्र अर्थात परलोक में आगामी भाव में क्या होगा? अपाय और अवध का दर्शन होगा। अपाय माने नाश हो जाएगा और अवध का दर्शन माने निंदा होगी। माने यदि हम पांचों पाप करते हैं तो इस लोक में माने इस भाव में हमारे नाश होगा। किसका नाश? सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजन का नाश होगा। स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति मिलना दुर्लभ हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। और अवध्य दर्शन माने निंदनीयपना हो जाएगा, माने निंदा के पात्र होंगे यदि पांच पाप करते हैं, हिंसा करते, झूठ बोलते, चोरी करते, कुशील सेवन करते, परिग्रह अनावश्यक रखते, तो इन सबसे माने स्वर्ग मोक्ष का तो अभाव हो ही जाएगा, वर्तमान जीवन भी खराब हो जाएगा, निंदा अलग होगी। ऐसा जानकर किसी भी रूप में इन पांचों पापों से विरक्त होना ही है, इनमें से कोई भी करने लायक नहीं है, ऐसी निरंतर भावना होना ही चाहिए। भावार्थ एक बार देख लेते हैं। हिंसादि पाप करने से इस लोक तथा परलोक में अनेक आपत्तियां प्राप्त होती हैं और निंदा भी होती है, इसलिए इनको छोड़ना ही चाहिए। अथवा और भी इसके बारे में कहा सूत्र नंबर 10 में दुःखमेवा, क्या बोले? दुःखमेवा अर्थात वा अर्थात अथवा हिंसादि पांच पाप दुख रूप ही हैं, ऐसा भी विचार करें। जब हम ऐसा विचार करेंगे कि हिंसादि दुख रूप हैं तो हम किसी भी रूप में इनको अंगीकार नहीं करेंगे, हिंसादि पाप नहीं करेंगे, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद सूत्र नंबर 11 में निरंतर चिंतवन करने योग्य चार भावनाएं कहते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो सर्वमान्य है, लोक प्रसिद्ध हैं। अब उनकी चर्चा करते हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेशु। फिर से मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्य गुणाधिक सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेशु। फिर से मैत्री प्रमोद कारुण्य, देखा जाए तो इनकी उच्चारण तो और सूक्ष्मता से मैत्री प्रमोद ऐसा होगा। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु, अर्थात मैत्री
एक, दूसरा प्रमोद, तीसरा कारुण्य अर्थात करुणावृत्ति, चौथा माध्यस्थ, इस तरह की ये चार भावनाएं हों। लेकिन किसके प्रति हों वह भी देख लेते हैं। पहले सामान्य रूप से फिर देख लें, समझ लें, मैत्री अर्थात दूसरे को दुख न हो, परस्पर में प्रेम। दूसरा मैत्री के साथ प्रमोद माने प्रसन्नता के साथ भक्ति अनुराग। तीसरा कारुण अर्थात करुणा दया। चौथा माध्यस्थ माने राग द्वेष पूर्वक पक्षपात नहीं करना, राग द्वेष का अभाव, वह मध्यस्थता। तो ये किन के प्रति? तो मैत्री के लिए कहा सूत्र में, यह सत्व, सत्व माने प्राणी मात्र। प्राणी मात्र मतलब चारों गति के सर्व जीवों के प्रति मैत्री, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। फिर दूसरा प्रमोद, यह गुणी जन, गुणाधिक, जो गुणाधिक लिखा ना, जो गुणों में अधिक हों, हमसे जो गुणों में अधिक हों, ऐसे उन गुणी जनों के, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, मन ऐसा। तो गुणी जन में हमसे गुण, हमसे जो गुणों में अधिक हों अथवा सम्यक दर्शन आदि गुणों से अधिक हों, ऐसे वे गुणी जन, उनके प्रति प्रमोद अर्थात प्रसन्नता। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। फिर कारुण अर्थात दया, दीन दुखी, इसमें लिखा है क्लिश्यमान, क्लिश्यमान अर्थात जो दुखी हैं, ऐसे जीव उनके प्रति दया, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, मेरी भावना में कहा ये सब। फिर दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी ऐसी भावना हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। तो ये माध्यस्थता। अगला चौथा है माध्यस्थ, अविनयेषु माने दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे कि इस तरह की भावना कि जो अविनयी हैं, जो विनयवान नहीं हैं अथवा जिनवाणी सुनने का गुण नहीं है उनमें, हठाग्रही हैं, दुराग्रही हैं, ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना, राग द्वेष नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, इस तरह की भावना होनी चाहिए। इस तरह की भावना को तो निरंतर भाने योग्य कहा, कभी भी इस भावना का परित्याग नहीं करना, सदा काल ऐसी भावना होनी चाहिए। अब इसके बाद सूत्र नंबर 12 में कहते हैं संसार और शरीर के स्वभाव का भी निरंतर विचार करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए वह भी बताते हैं। जगत काय स्वभाव वा, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, संवेग वैराग्यार्थम माने जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, मतलब क्या हुआ इसका? जगत और काय के स्वभाव का विचार करके संवेग और वैराग्य, ये दोनों माने संवेग का अर्थ होता है संसार से भय और वैराग्य माने राग द्वेष के अभाव, इनके लिए जगत काय का के स्वभाव का विचार करना चाहिए। माने यह जगत कैसा है, कितना दुखदाई है, उस जगत के स्वभाव का, और काय अर्थात यह शरीर भी नौ द्वार इसमें बहते हैं, ऐसे मलिन शरीर का भी, इसके स्वभाव का भी निरंतर चिंतन करना चाहिए। इससे हमें दो फायदे हैं, एक तो संवेग माने संसार से भय भी बना रहेगा और दूसरा वैराग्य की उत्पत्ति भी होती रहेगी। इसलिए संसार से भय और राग द्वेष की निवृत्ति के लिए इन भावना को भाना जरूरी है। कौन सी? जगत के और काय के स्वभाव का चिंतन करना, ये भी एक तरह से भावना ही है।
अब यहाँ से सूत्र नंबर 13 से हिंसादि पांचों पापों के लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा, यहाँ प्राणव्यपरोपणम हिंसा ऐसा पढ़ेंगे। तो प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा अर्थात प्रमत्त योग से प्राणों का वध करना, प्राण व्यपरोपण माने प्राणों का वध करना उसका नाम हिंसा है। प्रमत्त योग क्या है? प्रमाद परिणति, राग द्वेषमय परिणति, इसे हम कह सकते हैं असावधानी। तो इस तरह से असावधानी से राग द्वेषादि भावों से किसी के प्राणों को चोट पहुंचाना, दुखी करना, इसका नाम हिंसा है। अब आगे कहते हैं असत्य का लक्षण, अस दभिधान मंद्रतम। क्या है? अस दभिधान मंद्रतम, असत का अभिधान माने जैसा जो नहीं है उसका वैसा कथन करना, उसका नाम है असद अभिधान माने असत्य बोलना ऐसा कहें, अथवा असत माने जो विद्यमान नहीं है उसका विधान अर्थात कथन करना। सीधी सरल भाषा में जैसा देखा जाना सुना हो वैसा ना कहकर अन्यथा कहना, इसका नाम है असत्य। यहाँ पर ध्यान रखना है प्रमत्त योगा सबके साथ जोड़ना है माने प्रमाद के योग से जीवों को दुखदायक अथवा मिथ्यारूप वचन बोलना अथवा जैसा नहीं है वैसा कहना, उसका नाम है असत्य। स्तेय अब चोरी का लक्षण कहते हैं, स्तेय अर्थात चोरी। तो सूत्र नंबर 15 अदत्ता दानम स्तेयम, बोलिए अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दान, अदत्त अर्थात जो दिया नहीं गया है उसका आदान अर्थात ग्रहण कर लेना माने बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण कर लेना, इसमें भी प्रमाद योग लगाना ही है। प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को ले लेना उसका नाम चोरी है। फिर कुशील मैथुन मब्रह्म, क्या है? मैथुन मब्रह्म, इसका उच्चारण ऐसा ही होगा, कई लोग मैथुनम ब्रह्म पढ़ते हैं, ठीक नहीं है। मैथुन मब्रह्म अर्थात अब्रह्म का नाम मैथुन है, अथवा कहें मैथुन को ही अब्रह्म अर्थात कुशील कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं परिग्रह का लक्षण, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, ग्रह विसर्ग है ना, ग्रह देव हा तो है ही और विसर्ग भी हा जैसा अह होता है, तो मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह है। मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम, उसका नाम परिग्रह है। बाह्य विभूतियां ही परिग्रह हो ऐसा नहीं, उसके प्रति प्रमाद के योग सहित उनके प्रति ममत्व का परिणाम होना वह परिग्रह है। कदाचित बाह्य परिग्रह ना भी हो तो भी यदि बाह्य धन धान्य अथवा अन्य किसी के धन धान्य के प्रति मूर्छा का भाव हो, ममत्व का भाव हो, उसका नाम भी परिग्रह है। अब आगे बढ़ते हुए सूत्र नंबर 18 पर पहुंचते हैं जिसमें बताया है व्रतों की विशेषता। तो व्रतों की विशेषता बता रहे हैं, उसमें भी व्रती कैसा होता है उसे भी कहते हैं निश्चल्यो व्रती, बोलिए निश्चल्यो व्रती। व्रती कैसा होता है? निश्चल, शल्य रहित हो उसका नाम व्रती है। शल्य अर्थात एक तरह से अपनी भाषा में कहें प्रसिद्ध टेंशन अथवा निरंतर पीड़ा देने वाली वस्तु, जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा, तो वह एक तरह से शल है, जैसे कांटा चुभ जाए और निकले नहीं जब तक तो तकलीफ निरंतर देता रहता है, तो वह कहलाता है शल। तो वह जो व्रती होता है उसको कोई शल नहीं होती, निरंतर
सहज रहता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, टेंशन नहीं, अंदर तकलीफ होती रहे, ऐसा कोई काम नहीं करता। इसलिए व्रति को निशल्य कहा। शल्य तीन प्रकार की होती हैं, माया, मिथ्यात्व और निदान। माया शल्य माने छल कपट, ठगने की वृत्ति होना। मिथ्यात्व शल्य तत्वों का अश्रद्धान होना। और तीसरी है निदान। निदान माने भोगों की लालसा, उसमें भी आगामी काल में विषयों की वांछा करना, वह है निदान शल्य। तो इनमें से यदि कोई भी रहेगी तो वह व्रति अपने असली व्रतीपने को खो देगा, व्रति ही नहीं रहेगा। इसलिए उसे ये तीन तरह की शल्यों का त्याग होना चाहिए और होता है, तभी वह व्रति कहलाता है। अब व्रतों के भेद कहते हैं, अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च, फिर से अगार्य नगारश्च। माने व्रतों के भेद कहे दो, कौन कौन से वास्तव में जो व्रतों के कहें, ये व्रति के ही भेद कहें, व्रति के दो भेद हैं, अगारी और अनगार। अगारी अर्थात गृहस्थ और अनगार अर्थात गृह त्यागी मुनि। इस तरह से व्रति दो प्रकार के जानना चाहिए, माने जो घर में रहते हैं वे और जो घर से बाहर हैं वे। अब इसमें अगारी कौन कहलाते हैं अर्थात गृहस्थ कौन है, तो अणुव्रतोगारी। सूत्र नंबर 20, अणुव्रतोगारी, अणुव्रतोगारी ऐसा पढ़ेंगे, अणुव्रतोगारी। माने अणुव्रतो, अणुव्रतोगारी अर्थात जो अणुव्रत वाले हैं, जिन्होंने एक देश पांच पापों का त्याग कर रखा है, वे अगारी अर्थात गृहस्थ हैं। अणुव्रत का पालन करने वाले ऐसे गृहस्थ हैं। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि घर में रहते हैं लेकिन वास्तव में घर में ममत्व का तो त्याग कर रखे हैं, ममत्व का त्याग वहाँ पर भी है, बस रहते हैं घर में ऐसा जानना। और जो साधु होते हैं वे गृह में रहने के भाव का वे भी त्याग कर चुके हैं और घर को छोड़ चुके हैं, तो वे अनगारी होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्व पांच अणुव्रत की भी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। अहिंसाणुव्रत, संकल्प पूर्वक त्रस जीवों को हिंसा का त्याग। संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना सो अहिंसाणुव्रत है। दूसरा सत्याणुव्रत, राग द्वेष भय आदि के वश हो स्थूल असत्य बोलने का त्याग करना सत्याणुव्रत है। स्थूल चोरी के त्याग को अचौर्याणुव्रत कहते हैं। परिस्त्री सेवन का त्याग करना सो ब्रह्मचर्याणुव्रत है। और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, आवश्यकता से अधिक परिग्रह का त्याग कर शेष का परिमाण करना सो परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। इस तरह से जानना। अब ये जो पांच अणुव्रत कहे, इन अणुव्रतों के सहायक सात शील व्रत भी होते हैं, तो ये सात शील व्रत कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 21, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोष धोपवास, प्रोष धोपवासोप भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य। थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोष धोप वासोप भोग, सामायिक प्रोष धोप वासोप भोग परिभोग परिमाणातिथि, परिभोग परिमाणातिथि संविभाग संविभाग व्रत संपन्नस्य, संविभाग व्रत संपन्नस्य।
पूरा पढ़ते हैं, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामाय कप्रोश धोप वासोप भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग अव्रत संपन्नश्चे। अपन इसका अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा, दिग फिर देश फिर अनर्थ दंड, इन तीनों में विरति लगाना, माने दिग विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति। व्रत भी बोलते हैं, दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड फिर विरति, इसमें विरति शब्द जोड़ा है सब में, तो दिग विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति। फिर सामायिक, तो सामायिक व्रत, प्रोष धोप वास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत, इन व्रतों से संपन्न होता है। माने जो अणुव्रतधारी होता है वह इन अणुव्रतों को सहायता देने वाले सात शील व्रतों से और युक्त होता है। तो अभी सात शील व्रत बता दिए कि कौन कौन से, दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड, व्रति व्रत, फिर सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। अब इनका सामान्य स्वरूप देख लेते हैं। दिग व्रत माने मरण पर्यंत सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए दशों दिशाओं में आने जाने का परिमाण कर उससे बाहर नहीं जाना, उसका नाम दिग व्रत। दिग व्रत माने दिशाओं का व्रत ले लेना, कौन सी दिशा में जाएंगे किस दिशा में नहीं जाएंगे, तो वह दिशा संबंधी होता है व्रत, दिग व्रत। फिर देश व्रत माने क्षेत्र, जगह की मर्यादा कर लेना, उसका नाम है देश व्रत। जैसे जीवन पर्यंत के लिए किए हुए दिग व्रत में और भी संकोच करके घड़ी घंटा दिन महीना आदि तक किसी ग्रह मोहल्ले आदि तक आना जाना रखना, सो देश व्रत है। माने दिग व्रत में दिशाओं का निश्चय किया था, अब उसमें भी और मर्यादा कर ली, दिशाओं में भी कुछ स्थान निश्चित कर लिए, इस दिशा में मान लो दक्षिण दिशा में या उत्तर दिशा में जाएंगे तो उसमें भी उसकी लिमिट इतनी है, तो वह कहलाएगा देश व्रत। फिर अनर्थ दंड त्याग व्रत अथवा अनर्थ दंड विरति व्रत ऐसा बोलेंगे, संक्षेप में कह देते हैं अनर्थ दंड व्रत। वास्तव में अनर्थ दंड व्रत की जगह अनर्थ दंड विरति व्रत कहें अथवा अनर्थ दंड त्याग व्रत कहें, ये थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रयोजन रहित पाप वर्धक क्रियाओं का त्याग करना वह अनर्थ दंड विरति व्रत है। होने को इसके भी पांच भेद हैं। पापोपदेश माने हिंसा आरंभ आदि पाप के उपदेश का त्याग, वह अनर्थ दंड त्याग होगा। और सामान्य रूप से पापोपदेश माने हिंसा का उपदेश देना, हिंसा दान माने हिंसा के उपकरण का देना, अपध्यान दूसरे का बुरा विचारना, दुश्रुति माने राग द्वेष को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों का सुनाना और प्रमादचर्या माने बिना प्रयोजन यहाँ वहाँ घूमना तथा पृथ्वी आदि को खोदना, ये सब पांच अनर्थ दंड के पांच भेद हैं। इनका भी त्याग करना, उसका नाम है अनर्थ दंड विरति व्रत। पर चार होते हैं शिक्षा व्रत। सामायिक मन वचन काय और कृत कार्य तन्मोदना से पांचों पापों का त्याग करना सामायिक है। प्रोषधोपवास पहले और आगे के दिनों में एकासन के साथ अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास आदि करना प्रोषधोपवास है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, भोग और उपभोग की वस्तुओं का, भोग माने जो एक बार ही भोगी जाए वह भोग, और जिससे हम बार बार कपड़े आदि को बार बार भोग लें वह उपभोग। भोजन होता है एक तरह से भोग, जो एक बार ही भोगा जा सकता है, और वस्त्र कपड़े बर्तन आदि उपभोग। इन वस्तुओं का परिमाण कर उससे अधिक में ममत्व नहीं करना, सो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। फिर अतिथि संविभाग व्रत, अतिथि अर्थात मुनियों के लिए आहार कमंडलू पिछी वसती का आदि का दान देना, सो अतिथि संविभाग व्रत है, ऐसा जानना चाहिए। अब सूत्र नंबर 22 में व्रति को सल्लेखना धारण करने का उपदेश दिया है, कैसे कहते हैं,
मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। क्या बोले? मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। शब्द दिया है जोशिता। जोशिता माने प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक। मारणांतिकीम माने मरण है अंत में जिसके, अब माने मरण होने ही वाला है ऐसा समझें, माने जिसमें कोई प्रतिकार संभव नहीं हो। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजायाम चने प्रतिकारे, ऐसा उपसर्ग आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, बीमारी हो जाए या काल पड़ जाए, ऐसी परिस्थिति कोई भी बन जाए, उनमें यदि मरण बिल्कुल निकट है, ऐसा सब तरफ से विचार करके उस स्थिति में जोशिता माने प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक, सल्लेखनाम माने सल्लेखना धारण करना चाहिए। सल्लेखना सत्लेखना माने यह दो प्रकार से, एक तो सामान्य इसका अर्थ है सत्लेखना माने अच्छी प्रकार से क्रश करना। किसको क्रश करना? अंतरंग में कषायों को क्रश करना और बाहर में शरीर को क्रश करना। इस तरह से इन दोनों के क्रश करने का नाम है सल्लेखना। माने श्लोक अथवा परलोक संबंधी किसी प्रयोजन की अपेक्षा ना करके शरीर और कषाय के क्रश करने को सल्लेखना कहते हैं, जो कि व्रति को मरण के अंत समय में धारण करना ही चाहिए। यह बात यहाँ पर कही। अब अतिचारों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, ऐसा भी कह सकते हैं सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार देखते हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाहा सम्यक दृष्टेरतिचाराहा। क्या बोले? शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाहा सम्यक दृष्टेरतिचाराहा। शंका, शंका दूसरा है कांक्षा, तीसरा विचिकित्सा, चौथा अन्य दृष्टि प्रशंसा, फिर पांचवा अन्य दृष्टि संस्तव। ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। इनका अर्थ क्या है? आत्मा को अखंड अविनाशी जानकर भी 7 प्रकार के भय को प्राप्त होना, अथवा जिन वच में शंका कि जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उसमें किसी तरह का संदेह उत्पन्न हो जाना, उसका नाम है शंका। तो ऐसी शंका किसी भी प्रकार से हो जाती है तो वह शंका नाम का अतिचार है। दूसरा कांक्षा, इस लोक परलोक में भोगादि सामग्री की वांछा होना वह कांक्षा है। दुखी रोगी दरिद्री इत्यादि मनुष्य त्रयंच और मुनिराज के शरीर को देख ग्लानि करना वह विचिकित्सा अतिचार है। अन्य दृष्टि प्रशंसा माने मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, चारित्रादि को देख उसकी मन से उसको भला कहना वह अन्य दृष्टि प्रशंसा है। और अन्य दृष्टि संस्तव, ऐसे ही जीवों का वचनों से उत्साह वर्धन करना अथवा वचनों से उनकी तारीफ करना, वचनों से प्रशंसा करना वह अन्य दृष्टि संस्तव है। माने अन्य दृष्टि प्रशंसा और संस्तव में इतना अंतर है, प्रशंसा में मन से और संस्तव में वचनों से। इस तरह से ऐसा यदि वह जीव करता है तो उसको दोष लगते हैं, अतिचार लगते हैं। यहाँ खास जानना चाहिए कि सम्यक दृष्टि को इन दोषों का खेद हो तो अतिचार हैं, अन्यथा अनाचार हो जाते हैं और उससे सम्यक दर्शन का खतरा आ जाता है, सम्यक दर्शन भी छूट सकता है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ विशेष एक बात और बताना चाहते हैं, व्रत भंग के लिए सहायक परिणाम 4 प्रकार के कहे गए हैं। एक होता है अतिक्रम, दूसरा व्यतिक्रम, तीसरा अतिचार और चौथा अनाचार। अतिक्रम होता है मन में व्रत भंग का विचार उठना, व्यतिक्रम व्रत का उल्लंघन करना, अतिचार विषयों में प्रवृत्ति और अनाचार विषयों में अतिशय आसक्ति रूप प्रवृत्ति। इस तरह से ये 4 प्रकार कहे गए हैं व्रत भंगों के। जरा हम अतिचार और अनाचार में अंतर भी देख लें। व्रत का एक देश भंग वह अतिचार है, व्रत का पूर्ण भंग अनाचार है।
अज्ञान असावधानी मोहवश होते हैं, अतिचार अनाचार जानबूझकर होते हैं, अतिचार संस्कारवश क्षणिक होते हैं और अनाचार अभिप्राय पूर्वक होते हैं। अतिचार में आत्मग्लानी सहित हो जाने वाला है, माने अतिचार आत्मग्लानी सहित होता है और अनाचार अच्छा समझकर किया जाने वाला है। अतिचार यह गलत किया ऐसा भाव होता है, अनाचार में किया तो किया क्या गलत है ऐसा भाव होता है। अतिचार पर्वत जितना होने पर भी हल्का है और अनाचार तुच्छ होने पर भी बड़ा अपराध है। इस तरह से अतिचार अनाचार में भेद जानना, क्योंकि आगे यही सब प्रकरण है, आगे पीछे भी हो चुका आगे भी होना है, तो इस दृष्टि से यह चर्चा यहाँ प्रसंग रूप में कही। अब व्रत और शीलों के पांच पांच अतिचार कह रहे हैं। सूत्र नंबर 24 में सामान्यतः ये बता रहे हैं कि व्रतों और शीलों में पांच पांच अतिचार होते हैं। सूत्र देखते हैं, व्रत शीलेषु पंच पंच यथा क्रमम। बोले हैं व्रत शीलेषु पंच पंच यथा क्रमम, अर्थात व्रत और शीलों में यथा क्रम से पांच पांच अतिचार हैं। अब सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अहिंसाणु व्रत। अहिंसाणु व्रत के पांच अतिचार कौन से हैं, सूत्र नंबर 25 से कहते हैं, बंध वदच्छेदाति भारा रोपणान पान निरोधा। बंध वदच्छेदाति भारा रोपणान पान निरोधा। फिर से, बंध वदच्छेदाति भारा रोपणान पान निरोधा। बंध पहला, बंध दूसरा, वध तीसरा, छेद चौथा, अतिभार का आरोपण, अतिभार का आरोपण और अन्नपान निरोध, ये अहिंसा अणुव्रत के पांच अतिचार हैं। बंध क्या है, किसी को अपने इष्ट स्थान में जाने से रोकना, ऐसा कहें अथवा कहें बांधना। दूसरा है वध, डंडा चाबुक आदि से प्राणियों को मारना, यह वध। छेद, कान नाक आदि अवयवों को छेदना भेदना, यह छेद। अति भार आरोपण माने अति भार आरोपण माने उचित भार से अधिक भार लादना, जितनी शक्ति नहीं है उस शक्ति से भी अधिक भार लादना, वह है अति भार आरोपण। और पांचवा है अन्नपान निरोध माने समय पर खाना पीना नहीं देना, भूख प्यास में बाधा कर अन्नपान का रोकना, ये है अन्नपान निरोध। इस तरह से अहिंसाणु व्रत के पांच अतिचार कहे। अब सत्याणु व्रत के पांच अतिचार कहते हैं। सूत्र नंबर 26, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाहा। फिर से एक बार, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाहा। ये सत्याणु व्रत के पांच अतिचार कहे। पहला मिथ्योपदेश, दूसरा रहो व्याख्यान रहो व्याख्यान, तीसरा कूट लेख क्रिया, चौथा न्यासापहार और पांचवा साकार मंत्र भेद। ये सत्याणु व्रत के पांच अतिचार हैं। इनका भाव समझते हैं। पहला मिथ्योपदेश, मोक्ष मार्ग से विपरीत उपदेश देना, यह मिथ्योपदेश है। रहो व्याख्यान माने स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना। रहस्य शब्द है, रहस्य माने एकांत, स्त्री पुरुष की एकांतवाद को एकांत आचरण को प्रकट कर देना। कूट लेख क्रिया, अन्य के बारे में झूठ लेख लिखना, यह कूट लेख क्रिया। न्यासापहार, धरोहर रखने वाला आकर कम वापस मांगे तो कम ही दे देना। मान लो किसी ने हमारे पास धरोहर रखी कि दो तोला सोने रख दिए, दो तोला सोना रख दिया कि हम कहीं से
अभी कहीं बाहर जा रहे हैं, आके वापस ले जाएंगे, अथवा अभी कुछ महीनों साल के लिए रख लो, फिर जब वो लौट कर आया कहता है कि हमारा एक तोला सोना आपके पास रखा था वो वापस दे दो। हमें तो ध्यान था कि दो तोला है, हमने कहा ठीक है वो एक तोला मांग रहा है तो एक ही दे दो, हमने तो कुछ कहा नहीं, वो खुद ही मांग रहा है। ऐसा इस तरह का कार्य है न्यासापहार, जिससे जिस एक तरह से यह है झूठ तो है ही, चोरी जैसा काम भी है। आगे साकार मंत्र भेद, किसी कारण दूसरे के मन की बात जान उसे अन्य को प्रकट कर देना, वह साकार मंत्र भेद। ये पांचों सत्याणु व्रत के अतिचार जानना चाहिए। अब अचौर्याणु व्रत के अतिचार कहते हैं, स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग, क्या बोलेंगे इसको, स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। देखते हैं स्तेन प्रयोग पहला, दूसरा स्तेन आहृतादान, फिर तीसरा विरुद्ध राज्यातिक्रम, चौथा हीनाधिक मानोन्मान, पांचवा प्रतिरूपक व्यवहार। ये पांच अतिचार किसके हैं, अचौरी अणुव्रत के पांच अतिचार हैं। पहला स्तेन प्रयोग, किसी को चोरी के लिए प्रेरित करना, कराना व अनुमोदना करना, यह स्तेन प्रयोग। स्तेन आहृतादान माने चोरी के माल को खरीदना। तीसरा विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य आज्ञा के विरुद्ध चलना माने राजा आज्ञा के विरुद्ध चलना। हीनाधिक मानोन्मान, लेने व देने के माप कम ज्यादा रखना माने जब लेते हैं तो अधिक ले लेना और जब बेचते हैं या किसी को देते हैं तो कम वजन वाले जो हम आप रखें उससे दे देते हैं, तो यह हीनाधिक मानोन्मान। प्रतिरूपक व्यवहार माने असली में नकली माल मिलाकर बेचना, यह है प्रतिरूपक व्यवहार। माने इस तरह के ये सभी पांचों अचौर्याणु व्रत के अतिचार जानना चाहिए। अब ब्रह्मचर्याणु व्रत के अतिचार कहते हैं, पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। फिर से, पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। अर्थ देखते हैं ब्रह्मचर्याणु व्रत के पांच अतिचार। पहला है परविवाह करण, दूसरा इत्वरिका गमन, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, फिर इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, चौथा अनंग क्रीड़ा और पांचवा काम तीव्राभिनिवेश। ये ब्रह्मचर्याणु व्रत के कहें अथवा सुदार संतोषणु व्रत के पांच अतिचार हैं। देखते हैं पर विवाह करण माने दूसरों का विवाह कराना, यह अतिचार है। दूसरा इत्वरिका परिग्रहिता गमन और इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन। तो पहले देखते हैं इत्वरिका परिग्रहिता गमन माने जिसका कोई स्वामी हो ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के यहाँ जाना अनादि करना, यह है इत्वरिका परिग्रहिता गमन। और इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन जिसका कोई स्वामी ना हो, पति आदि ना हो, ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के यहाँ आना जाना आदि करना, यह है इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन। चौथा अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़ शेष अंगों द्वारा काम सेवन करना, यह है अनंग क्रीड़ा। पांचवा काम तीव्राभिनिवेश माने काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना, यह है काम तीव्राभिनिवेश। यह भी ये पांचों ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार जानना चाहिए। अब
परिग्रह परिमाण अणुव्रत के पांच अतिचार। सूत्र नंबर 29। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। फिर से, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः। कुप्य प्रमाणातिक्रमः ऐसा उच्चारण होगा, कुप्य प्रमाणातिक्रमः माने क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः माने क्षेत्र और वास्तु, इसमें भी पांच अतिचार कहे। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम अर्थात खेत तथा रहने के घरों के प्रमाण का उल्लंघन करना। दूसरा, हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रम चांदी और सोने के प्रमाण का उल्लंघन करना। धन धान्य प्रमाणातिक्रम गाय भैंस आदि पशु तथा गेहूं चना आदि अनाज के प्रमाण का उल्लंघन करना। दासी दास प्रमाणातिक्रम नौकर नौकरानियों के प्रमाण का उल्लंघन करना। और कुप्य प्रमाणातिक्रम अर्थात वस्त्र तथा बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन करना। ये पांच परिग्रह परिमाण अणुव्रत के अतिचार हैं। इस तरह से ये परिग्रह परिमाण अणुव्रत के पांच अतिचार कहे। ये अणुव्रतों के अतिचार हो गए। अब गुणव्रतों के अतिचार प्रारंभ करते हैं सूत्र नंबर 30 से। ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यांतराधानानी। ऊर्ध्वाधस्तिर्यक, देखें ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम, व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानी, स्मृत्यंतराधानानी। ऊर्ध्वाधस्तिर्यक, ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानी माने गुणव्रतों में जो सबसे पहला गुणव्रत कौन सा दिग्विरति व्रत है उसकी चर्चा कर रहे हैं। दिग्व्रत मतलब दिशाओं की मर्यादा, जो दिशाओं की मर्यादा ली है उन दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन कर देना, यह है पहले नंबर का जो दिग्विरति व्रत है उसका अतिचार जानना चाहिए। तो इसके पांच अतिचार कहे। ऊर्ध अधः तिर्यक माने इन सब में क्या लगाना, व्यतिक्रम लगा देना। तो ऊर्ध व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, ये तीन। चौथा है क्षेत्र वृद्धि और पांचवा है स्मृत्यंतराधान, स्मृत्यंतराधान, ये पांच अतिचार है। तो ये क्या होते हैं, ऊर्ध माने ऊपर, ऊपर की दिशा में लिया गया जो नियम है कि ऊपर इतने ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे भी मर्यादा का उल्लंघन करके ज़्यादा ऊपर चले जाना एरोप्लेन से या किसी और के द्वारा अथवा पर्वत पर ज़्यादा ऊपर चढ़ जाना। फिर अधो व्यतिक्रम माने नीचे कुआं बावड़ी आदि में मर्यादा से बाहर उतर जाना। तिर्यक व्यतिक्रम, तिर्यक माने चार दिशा और चार विदिशाओं में जो मर्यादा ली हो तो उससे ही बाहर हो जाना। क्षेत्र वृद्धि मर्यादा की हुई दिशा के बढ़ाने का अभिप्राय रखना, कह रहे हमने तो इतने क्षेत्र की मर्यादा ली थी थोड़ी और बढ़ा लें। फिर पांचवा स्मृत्यंतराधान, मर्यादा को याद ही नहीं रखना, भूल जाना। इस तरह से पांच अतिचार दिग्व्रति व्रत के कहे हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं देश व्रत, देश व्रत के पांच अतिचार कहते हैं। आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाहा। आनयन, देखो इसका सही उच्चारण तो होगा व्याकरण से, आनयन प्रेष्य प्रयोग, आनयन
प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाहा। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाहा। माने पहला आनयन, दूसरा प्रेष्य प्रयोग, तीसरा शब्दानुपात, चौथा रूपानुपात और पांचवा पुद्गलक्षेप। ये देश व्रति व्रत के पांच अतिचार हैं। अब इन सब का स्वरूप जान लेते हैं। माने भाव ये है कि जो देश व्रत में मर्यादाएं ली थी कि इतने इतने क्षेत्र तक ही जाएंगे, इससे बाहर नहीं। मान लो किसी ने लिया कि एक महीने तक हम इस एक किलोमीटर दायरे के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन उससे भी बाहर चले जाना, ये है देश व्रति व्रत में अतिचार। देखते हैं पांच। पहला आनयन, माने मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु का मंगाना व किसी को मर्यादा के बाहर के व्यक्ति को बुलाना, ये है आनयन अतिचार। फिर प्रेष्य प्रयोग, मर्यादा क्षेत्र से बाहर दूसरे व्यक्ति को काम बताना अथवा वहाँ पर भेज देना। तीसरा शब्दानुपात, मर्यादा क्षेत्र से बाहर दूसरे को खांसी आदि इशारों से अपना अभिप्राय बताना, ताली बजाकर, इशारे से, कुछ भी। माने इसमें शब्द की मुख्यता है। फिर रूपानुपात, मर्यादा क्षेत्र के बाहर अपना रूप दिखाकर करवाना। और मान लो इनसे काम नहीं हो तो पांचवा है पुद्गलक्षेप। सामने वाला खांसी से नहीं सुन रहा है, अपने रूप दिखाने से नहीं समझ रहा है और उसको याद नहीं, हमें हमारी तरफ देख नहीं रहा है, तो पुद्गलक्षेप। माने मर्यादा क्षेत्र के बाहर कंकर पत्थर आदि फेंक कर अपना कार्य करवाना। इस तरह से ये देश व्रति व्रत के पांच अतिचार जानना चाहिए। अब अनर्थ दंड व्रति व्रत के पांच अतिचार कहते हैं। कंदर्प कौतकुच्च मोखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानी। फिर से, कंदर्प कौतकुच्च मोखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानी। कंदर्प कौतकुच्च मोखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानी। ये अनर्थ दंड व्रति व्रत के पांच अतिचार। पहला कंदर्प, फिर कौतकुच्च, मौखरिय, असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोगानर्थक्य। ये अनर्थ दंड व्रति व्रत के पांच अतिचार हैं। इनका अर्थ देखते हैं। कंदर्प, राग भाव की तीव्रता वश हास्य मिश्रित असभ्य वचन बोलना, यह कंदर्प। दूसरा कौतकुच्च, कंदर्प के साथ शारीरिक कुचेष्टा करना। माने हास्य मिश्रित वचन, असभ्य वचनों के साथ शरीर की कुचेष्टा भी करना है कौतकुच्च। मौखरिय, धीरता पूर्वक कुछ भी बकवास करना। असमीक्षाधिकरण, प्रयोजन विचारे बिना अधिक प्रवृत्ति करना। और पांचवा है उपभोग परिभोग अनर्थक, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना। इस तरह से ये अनर्थ दंड व्रति व्रत के पांच अतिचार जानना चाहिए। ये तो हो गए दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रति व्रत। माने तीन गुण व्रतों के अतिचार हुए। अब चार शिक्षा व्रतों के अतिचारों की यहाँ चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला है सामायिक व्रत। यह पहला शिक्षा व्रत है। इसके अतिचार कहते हैं, योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानी। योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानी। फिर से एक बार, योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानी। इसके भी पांच अतिचार हैं। योग से अपन तीनों ले लेंगे, काय योग, वचन योग, मन योग। तो काय योग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान और मनोयोग दुष्प्रणिधान। इस तरह से योग में तीन आ गए, दुष्प्रणिधान तो था ही, फिर चौथा हो गया अनादर और पांचवा स्मृति का अनुपस्थान। ये सामायिक व्रत के पांच अतिचार हैं।
दुष्प्रणिधान का अर्थ होता है सामायिक काल में अन्यथा प्रवर्तन। अब देखते हैं पहला काय दुष्प्रणिधान, माने शरीर के अंगोपांग आदि को निश्चलता रहित रखना, चलायमान करना। दूसरा वचन, अशुद्ध उच्चारण, सही अर्थ का ज्ञान ना होना, ये है वचन दुष्प्रणिधान। अर्थ में मन नहीं लगाना, ये है मन दुष्प्रणिधान। अनादर, उत्साह रहे सामायिक करना, ये है अनादर। और स्मृति अनुपस्थान, एकाग्रता के अभाव में पाठ आदि भूल जाना, ये है स्मृति अनुपस्थान। इस तरह सामायिक व्रत के पांच अतिचार कहे। अब प्रोषधोपवास व्रत के अतिचार कहते हैं। सूत्र नंबर 34, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। फिर से, अप्रत्यवेक्षितात् प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। मैंने प्रोषधोपवास व्रत के पांच अतिचार कहे। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित भूमि वस्तु का आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर का उपक्रमण, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, ये प्रोषधोपवास व्रत के पांच अतिचार हैं। अब देखते हैं इनका भाव। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित माने बिना देखे, यह है अप्रत्यवेक्षित, और बिना शोधे, यह है अप्रमार्जित। तो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, उत्सर्ग एक, उसी में आदान जोड़ दो, दो संस्तर जोड़ दो, तीन। तो तीन ए एक चौथा अनादर और पांचवा स्मृति अनुपस्थान, ये पांच ऐसे प्रोषधोपवास व्रत के पांच अतिचार हैं। तो पहले देखते हैं अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, माने बिना देखे बिना शोधे जमीन पर मलमूत्र का त्याग करना। दूसरा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, माने बिना देखे बिना शोधे पूजा के उपकरण आदि व स्वयं के वस्त्र आदि रखना। तीसरा है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर, माने भूमि पर आसनादि बिछाना। चौथा, अनादर, उत्साह रहित आवश्यक कार्य करना। और पांचवा है स्मृति अनुपस्थान, माने आवश्यक धर्म कार्य करना भूल जाना। इस तरह से प्रोषधोपवास व्रत के पांच अतिचार कहे। अब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के पांच अतिचार कहते हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषवदुष्पक्वाहारा, सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषवदुष्पक्वाहारा, माने सचित, ये जो आहार है सब में लगाना, सचित्ताहार, संबंधाहार, सम्मिश्राहार, अभिशव आहार और दुःपक्वाहार, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के पांच अतिचार हैं। देख लेते हैं इनका भाव। सचित्त माने चेतना सहित पदार्थ, ये सभी के सभी आहार से ही संबंधित हैं। पहला है सचित्त आहार, जैसे कच्चे फल फूल आदि खाना, इनमें चेतन है, माने चेतन सहित पदार्थ है, इनका भक्षण, ये है सचित्त आहार। दूसरा है संबंधाहार, संबंधाहार वही भी सचित्त संबंधाहार, सचित्त अर्थात चेतन से संबंध प्राप्त हुआ आहार, ये है सचित्त संबंधाहार। फिर सचित्त सम्मिश्राहार, माने सचित्त माने चेतन सहित पदार्थ से मिश्रित हुआ आहार, यह है सचित्त सम्मिश्राहार। माने प्रारंभ के तीन, सचित्त सहित माने सचित्ताहार, सचित्त संबंधाहार, सचित्त सम्मिश्राहार, माने इनमें सब में सचित्त का ही ग्रहण करना, किसी भी रूप में
चेतना सहित पदार्थ का ही ग्रहण किया तो वह माने सीधा आहार मिला दिया तो अथवा उस मिश्रित आहार, ये सब यतिचार ही हैं। फिर चौथा है अभिशव आहार माने गरिष्ठ आहार। पांचवा है दुःपक्व आहार माने अध पका अथवा अधिक पका माने जरूरत से ज्यादा पका आहार, वह दुःपक्व आहार है। ये सभी उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के पांच अतिचार हैं। अब अतिथि समविभाग व्रत के पांच अतिचार कहते हैं सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मासर्य कालातिक्रमाहा। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मासर्य कालातिक्रमाहा। ये पांच अतिचार हुए सचित्त निक्षेप सचितपिधान पर व्यपदेश मासर्य और कालातिक्रम। ये अतिथि समविभाग व्रत के पांच अतिचार हैं। ये सभी के सभी आहार दान से संबंधित जानना चाहिए। सबसे पहला अपन देखते हैं सचित्ताहार। सचित्ताहार में भी सचित्त निक्षेप माने कैसा सचित्त पत्र आदि में भोजन को रख कर देना। दूसरा है सचित्तापिधान माने सचित्त पत्र आदि से ढके हुए भोजन आदि का दान करना। माने सचित्त माने जो ऐसा पत्ता हो जो हरे हरे पत्ते होते हैं ये सचित्त पत्ते हैं उन पर रख कर देना, उनसे ढक कर देना माने उन पर रख कर देना है सचित्त निक्षेप। और सचित्तापिधान मतलब इन पत्तों से ढककर भोजन देना। तीसरा है परव्यपदेश दूसरे दातार की वस्तु को देना, स्वयं की तो नहीं दूसरे की वस्तु को देना। और यह कहकर कि अन्य की वस्तु है ऐसा कहकर देना, ये है परव्यपदेश। फिर चौथा है मात्सर्य अनादर पूर्वक देना अथवा दूसरे दातार से ईर्ष्या करके देना। और चौथा कालातिक्रम माने योग्य काल का उल्लंघन कर अकाल में देना। ये पांच अतिथि समविभाग व्रत के अतिचार जानना चाहिए। इस तरह से सात शील व्रतों के तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत मिलाकर सात शील व्रत होते हैं। इन सातों के अतिचार यहाँ पर कहे। अब इसके बाद संलेखना के अतिचार यहाँ पर कहे जा रहे हैं। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। ये पांच अतिचार संलेखना के जानना चाहिए। संलेखना पहले ही बता चुके हैं। सतलेखना माने कषायों का और शरीर का क्रस करना, वह है संलेखना। तो ऐसे संलेखना के समय इस तरह के भाव हो जाना, कौन से जीविता संसा, दूसरा मरणा संसा, तीसरा मित्रानुराग, चौथा सुखानुबंध और पांचवा निदान। ये संलेखना के पांच अतिचार हैं। माने जिसने संलेखना ले रखी है उसको ऐसी चाह हो जाना, असंसा माने चाह हो जाना, इच्छा उत्पन्न हो जाना, वे अतिचार कहलाते हैं। तो पहला देखते हैं जीविता संसा माने जीने की चाह है। ऐसा लगता है कि हमने ये मर्यादा तो ले ली है संलेखना की, लेकिन उस समय ऐसा लगे अरे यार बच जाते तो कितना अच्छा था, ये है जीविता संसा। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत तकलीफ हो रही हो, तो वह ऐसा सोचता है कि जल्दी मर जाएं, तो ऐसी मरने की इच्छा करना वह है मरणा संसा। मरते समय ऐसा लगता है अरे हमारे पुराने मित्र कितने अच्छे थे, खेलते थे, उन मित्रों की याद आ जाना, यह है मित्रानुराग। फिर सुखानुबंध पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण करना, ये सुखानुबंध। और फिर अगला है निदान। निदान माने आगामी भोगों की वांछा करना। इस तरह से ये पांच संलेखना के अतिचार जानना चाहिए।
अब अंत अंत में अब दो सूत्रों द्वारा दान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। सूत्र नंबर 38, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। फिर से, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। इसका अर्थ क्या हुआ? अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है, अर्थात उपकार के लिए स्व की वस्तु का त्याग, उसका नाम दान जानना चाहिए। इसका विशेष खुलासा करें तो अनुग्रहार्थम का अर्थ अपने और पर के उपकार के लिए, स्वस्य माने अपनी वस्तु जो है अच्छी, कोई भी वस्तु हो, धनादिक हो, उसका अति सर्ग माने त्याग करना, वह दानम माने दान है। देखिए यहां विशेष, दान देने में अपना उपकार तो यह है कि हमें पुण्य का बंध होता है, और पर का उपकार यह है कि दान लेने वाले के सम्यक ज्ञान आदि गुणों की वृद्धि होती है। इस तरह से दोनों का उपकार होता है। और भी विशेष जाने कि स्व का उपकार क्या? लोभ वृत्ति कम होती है, दूसरा आत्मा त्याग की तरफ झुकता है, तीसरा पुण्य बंध तो होता ही है, पहले कह दिया। और पर का उपकार जीवन यात्रा में मदद होती है, धर्म साधना में सहायक होता है, ऐसे पर के उपकार जाने चाहिए। अब यहाँ अंतिम सूत्र में दान में विशेषता बता रहे हैं कि दान किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या अनिवार्य है। तो कहते हैं, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद्विशेषः। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद्विशेषः, विशेषात तद्विशेषः। फिर से, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद्विशेषः। माने विधि और दूसरा है द्रव्य। द्रव्य माने दे वस्तु, और तीसरा है दात्री अर्थात दाता, और चौथा है पात्र। इनकी विशेषता से उस दान में विशेषता आती है। सबसे पहला तो विधि विशेषता क्या है? नवदा भक्ति के क्रम को विधि विशेष कहते हैं, मान नवदा भक्ति से दान देना, यह है विधि। फिर द्रव्य विशेष, तप स्वाध्याय आदि को वृद्धि में कारण, आहार को द्रव्य विशेष कहते हैं, माने ऐसी वस्तु जिससे तप आदि में वृद्धि हो, वह है द्रव्य विशेष। दाता विशेष, जो दान देने वाला है उसमें श्रद्धा आदि सात गुण सहित जो दाता है, उस दाता को दात्री विशेष कहते हैं, माने यह दाता दान देने वाला जो है उसमें ईर्ष्या आदि नहीं होना चाहिए, खेद से रहित होना चाहिए, सात गुणों से सहित होना चाहिए। फिर चौथा है पात्र, माने पात्र कौन होता है? दान लेने वाला मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन आदि गुणों से जो युक्त हो, रत्नत्रय से युक्त हो, वह पात्र है। पात्र भी तीन प्रकार के कहे हैं, उत्तम मध्यम और जघन्य। उत्तम तो होते हैं मुनिराज, मध्यम होते हैं व्रती श्रावक, और जघन्य होते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। इसमें विशेष इतना देख लेते हैं कि जो विधि कही थी नवदा भक्ति, नवदा भक्ति को संक्षेप में जानते हैं, पहला संग्रह अथवा प्रतिग्रह, आइए पधारिए ऐसा आग्रह करना, दूसरा उच्च स्थान ऊंचा आसन देना, तीसरा है पादोदक माने प्रासुक जल से पैर धोना, चौथा है अर्चन माने योग्य पूजा स्तवन करना, पांचवा है प्रणाम योग्य नमस्कार करना, और छठवा है शुद्धि। शुद्धि में भी चार प्रकार की, मन वचन काय और भोजन की शुद्धि, इन चारों की शुद्धि रखना भी और बोलना भी। इस तरह से संग्रह अथवा प्रतिग्रह एक, उच्च स्थान दो, पादोदक तीन, अर्चन चार, प्रणाम पांच, और मन शुद्धि छह, वचन शुद्धि सात, काय शुद्धि आठ, और भोजन की शुद्धि नौ। इस तरह से ऐसी ये विधि माने नवधा भक्ति वाली यह विधि जानना चाहिए। अब एक और आया था दाता के सात गुण, वे भी जान लेते हैं। पहला है भक्ति, फिर तुष्टि, श्रद्धा, फिर विज्ञान, अलोलोप, सात्विक और क्षमा। तो ये भक्ति क्या होती है? प्रमाद रहित ज्ञान सहित
जो हो वह भक्ति है। तुष्टि, पात्र प्राप्ति पर अत्यंत खुशी होना। तुष्टि, श्रद्धा, दान कल्याणकारी है ऐसा विश्वास। विज्ञान, योग्य भक्ष्य पदार्थ का दान देना, यह है विज्ञान। अलोलोप, सांसारिक लाभ की इच्छा रहित होना, अलोलोप है। सात्विक, धन थोड़ा होने पर भी दान के प्रति उत्साह है। सात्विक, क्षमा, किसी पर भी रोष नहीं करना, यह क्षमा। इस तरह से ये दाता के सात गुण कहे। दान भी कहा था कि द्रव्य, वह द्रव्य कितने प्रकार का, चार प्रकार का है, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभयदान। अभयदान में प्राणदान। इस तरह से ये दान की विशेषता यहाँ जानना चाहिए। इस तरह हमने सातवें अध्याय में शुभाश्रव की मुख्यता से चर्चा की, बहुत सारे व्रतों के भेद जाने, उनके अतिचार जाने, हम इनका सही स्वरूप व्यवस्थित यथार्थ रूप में जाने और इन सबको जीवन में अपनाएं और अपना कर अपना कल्याण करें, इसी भावना से विराम।